नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल SK Technovation पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हो गई है 1 फरवरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि डेट आपके लिए हो गई है। क्या हुआ है, करंट स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा आप लोग के मन में सवाल है, तो काफी ज्यादा आप लोग के लिए गुड न्यूज निकल कर आ रही है। जो आप लोग करंट स्टेटस है वो दिखना शुरू हो गए हैं। अब जो मैंने आपको, अगर लास्ट वीडियो आपने फॉलो की हुई, मैंने आपको बताया भी यही चीज थी, सारी डेट्स आपको समझा दिया और मैंने बताया भी था कि जो नेक्स्ट जो मंडे आएगा उस तक आप लोग के स्टेटस धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में आप लोगों के स्टेटस जो है कुछ लोगों के अब दिखने शुरू हो गए हैं, ब्लैंक आ रहे हैं, किसी के कुछ आ रहे हैं, इस तरह से स्टेटस जो है कि आपको दिखना शुरू हो गया है। तो क्या आप कैसे स्टेटस देख सकते हो, पहले तो बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस टाइप का जो करंट स्टेटस है वो आप देख कैसे सकते हो। पहला सवाल तो आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि आखिर ये किस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद करंट स्टेटस में क्या चीजें होती हैं, क्या समझने जैसा होता है, उसमें आखिर में देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें जो है कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। सारी डेट्स भी एक बार आपको मैं दोबारा दिखा दूंगा कि आखिर में क्या चल रहा है, कौन सी डेट को क्या होने वाला है, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि करंट स्टेटस में दिख क्या रहा है अभी, और बाकी लोगों का जिनका नहीं दिख रहा उनका कब से दिखेगा, सारे जो आपके सवाल है वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हो या फिर आप वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की आपको सबसे सही जानकारी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। देखो, करंट स्टेटस जो आप लोगों को मैंने बताया था, आपको एक बार डेट मैं दिखा दूं, तो आपको मैंने बताया था कि 24 जो है कि 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो है कि आप लोग का वो NIC सत्यापन होगा। ये रहा आपके सामने सर्कुलर, यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। इसी के डेट, इसी के हिसाब से जो है कि आप लोग का स्टेटस जारी होता है। NIC क्या होता है, NIC होती है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये होता है लखनऊ में। वहाँ पर एक होता है सॉफ्टवेयर जिसमें आप लोग का डेटा रन करा के लोग चेक करते हैं कि इस छात्र का डेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारी चीजें लोग वेरीफाई करके तब जाके आपके जिले पे वापस आपका फॉर्म भेजते हैं। तो उसी के दौरान स्टेटस जारी होता है। तो ये चीज जो चलेगी वो चलेगी, आप देखो NIC द्वारा स्क्रूटनी 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक, तो इसी के हिसाब से स्टेटस भी जारी होंगे। आज हो गई 1 फरवरी, यानी कि 8 दिन और बचे हैं NIC के सत्यापन में। तो धीरे धीरे मैंने आपको बोला था मंडे से स्टेटस दिखने लग जाएंगे, तो आप में से काफी लोगों के जो है कि स्टेटस अभी आप लोग जरूर चेक करना इस वीडियो के बाद। आपको जो है कि किसी का ब्लैंक भी आना शुरू हो गया। देखो, एक आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कब का स्टेटस है, 31 जनवरी 2024, यानी कि कल का स्टेटस है किसी छात्र का, है रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र है, तो उनका स्टेटस इस तरह से आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, मतलब स्टेटस जो है कि खुल रहा है लेकिन खाली आ रहा है, सादा आ रहा है, इसमें कोई डिटेल नहीं देखा आप सकते हो, यहाँ पूरी जानकारियां खाली पड़ी है, दिनांक नहीं, स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेटस जो है कि खुलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि NIC से जो वेरिफिकेशन है वो तेजी से शुरू हो चुका है। इसका यही मतलब हुआ कि स्टेटस जो है कि अब 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, 2-4 दिनों के अंदर आप मंडे से एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम लोगों के स्टेटस दिखेंगे। तो अगर आपको ये मालूम है आप कैसे देख सकते हो, जरूर चेक करके देखो अपना और बताओ, कमेंट में लिखो कि आपका क्या इस तरह से ब्लैंक स्टेटस आ रहा है या फिर आपको VR सॉरी देखने को मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम लोगों को आप में से देखने को मिलेगा। अभी आप चेक करने जाओ तो आपको घबराना नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका VR सॉरी आ रहा था आप पैनिक करने लग जाओ कि नहीं मेरा तो आ ही नहीं रहा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ लोगों का जो है कि खाली स्टेटस जारी हुआ है, अभी बहुत लोगों का, मतलब मैक्सिमम लोगों का 95% लोगों का जारी नहीं हुआ है, 5% लोग ऐसे हैं जिनका कुछ कुछ इस तरह से आ रहा है, ब्लैंक आ रहा होगा, तो वो लोग जरूर एक बार आप लोग चेक करो कि ये आपका ब्लैंक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी इस तरह का स्टेटस किसी का भी जारी नहीं हुआ, इस तरह का मतलब जो ओरिजिनल स्टेटस होता है वो इस तरह का होगा। मतलब अगर आपने देखो, अगर इस स्टेटस को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसको आप ध्यान से देखोगे अगर, तो इसमें सारी जानकारियां आपके सामने भरी हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन है, फाइनल सबमिशन है, आपके कॉलेज से फॉरवर्ड किया गया नहीं किया गया, बैंक से वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ, समाज कल्याण से वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर पूरी तारीख लिखी हुई है। तो इस तरह से होता है वो जो पूरा स्टेटस होता है, लेकिन अभी जो जारी हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, वो इस तरह हो रहा है। देखो आप यहाँ पर देखो, सारी चीजें जरूर लिखी हुई है लेकिन वो सारे स्थान खाली भरे हुए हैं। देखो रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ नहीं है, फाइनल सबमिशन में ब्लैंक पड़ा हुआ, स्टेटस इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ वो भी ब्लैंक है, बैंक से वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, सारी चीजें जो है कि खाली पड़ी हुई है। तो जो ओरिजिनल स्टेटस है वो होगा इस तरह का, किस तरह का, इस तरह का जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये वाला स्टेटस कब से जारी होगा, जो अगला वाला मंडे आ रहा है, मतलब ये वाला मंडे जो आएगा उसके बाद से धीरे धीरे जो है कि 9 फरवरी के आसपास जाते जाते आप लोगों के स्टेटस दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि NIC से जो वेरीफिकेशन की लास्ट डेट है वो अभी 9 फरवरी है, तो उसी के दौरान जो है कि आपके वेरीफाई हो जाएंगे। उसमें आप प्लस माइनस 3-4 दिन का मान के चला करो, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं फॉलो कर पाएंगे वो लोग, मतलब उसमें हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। 9 फरवरी इन्होंने ऑफिशियली जरूर बताई, लेकिन हो सकता है वो डेट हो जाए 10 या 12 तारीख तक भी हो सकती है, 2-3 दिन का ऊपर नीचे लेके आप चलना। तो ये हो गया ये वाली स्टेटस। अब आप ये स्टेटस देख कैसे सकते हो ये आपको पहले मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को देखना ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर मैं सर ये वाला स्टेटस हम देख कैसे सकते हैं कि मेरा खाली आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा VR सॉरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले वो तरीका बता देता हूँ। आपको इसके लिए देखो सिंपल कुछ नहीं करना,
करना पड़ेगा, सभी को लॉग इन करना आता होगा। आप लॉग इन करते होगे अपना जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है, रिन्यूअल वाले रिन्यूअल पे लॉग इन करते हैं, फ्रेश वाले फ्रेश पे लॉग इन करते हैं। अभी आप सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मैं जैसे करता हूँ वहां से भी आप कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा वहां से आप लोग कर सकते हो। सिंपल मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लॉग इन करना होता मैं सरकारी अपडेट वेबसाइट खोल लेता हूँ, ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म दिख जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा लॉग इन करने की कर सकते हो। यहाँ पर सारी लिंक एक जगह मिल जाती है, इसलिए आसान पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा इसी को प्रीफर करता हूँ। देखो अब लॉग इन कैसे करना है, देखो प्री मैट्रिक वाले यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, मतलब 9वीं 10वीं के जो छात्र हैं। अब उसके अलावा जैसे 11वीं 12वीं के छात्र हो गए तो वो उनके लिए यहाँ लिंक दी गई, रिन्यूअल की लिंक यहाँ देख सकते हो, फ्रेश की यहाँ देख सकते हो। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जिसके ज्यादातर छात्र हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में सारे आ जाते हैं, बीए बीएससी बीकॉम जितने भी होते हैं सारे, बीएड एमएड जितने भी हैं, तो उनके जो है यहाँ पर आ जाएंगे रिन्यूअल लॉग इन फ्रेश लॉग इन। यहाँ पर आपकी जो भी लिंक है उस पर आपको जाना है, आप सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल फिल करनी है। जैसे आप फ्रेश लॉग इन रिन्यूअल के छात्र हो, मान लो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के, आप यहाँ जाओगे, आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ भरनी है, जन्मतिथि यहाँ भरनी है, पासवर्ड यहां पे डालना है जो आपने बनाया, और यहां पे इस कैप्चा को डाल के क्या करना है, इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये सारी डिटेल मैं फिल करके आपको दिखाता हूं उसके बाद क्या होता है। तो देखो वो सारी डिटेल जो आप भर के सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है, ये आप सब लोग खोलना जानते हो, यहां तक आप सब पहुंच जाते हो, लॉग इन करना जानते हो। यहां पर आपको देखो यहां तीन डॉट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आता है, यहां पर देखिए चेक करंट स्टेटस, यही वो इंपॉर्टेंट जो है कि ऑप्शन है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ लोगों के लिए दो चीजें होंगी, कुछ लोग मैक्सिमम लोगों के लिए आएगा अभी वी आर सॉरी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो है डेट कब से कब तक है, 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक, तो मैक्सिमम लोग देखने को क्या मिलेगा, वो आएगा वी आर सॉरी। वहीं कुछ लोगों का, कुछ मतलब बहुत कम लोगों का, जिनका अभी आएगा खाली स्टेटस, खाली मतलब जो अभी आपको मैंने दिखाया, तो आप चेक करके देखो आपका किस तरह का स्टेटस आ रहा है। अभी मैंने आपको डेट सारी क्लियर कर दी, आपको घबराना नहीं है, कुछ लोगों का दिख रहा था इसलिए मैंने आपको ये अपडेट करने के लिए आ गया कि भाई जो टाइमलाइन बताई थी मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है कि स्टेटस दिखने शुरू हो गए हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे चेक करंट स्टेटस तो अभी आपके सामने मैक्सिमम लोगों के सामने इस तरह से आएगा वी आर सॉरी लिख कर आएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अभी आपकी जो है कि स्टेटस जारी नहीं किया गया, वेबसाइट में भी दिक्कत चली और आपका जो स्टेटस है वो जारी नहीं किया गया, इसलिए मैक्सिमम लोगों का आएगा वी आर सॉरी। सभी लोग देखिए कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आ रहा है, आपका क्या खाली स्टेटस आ रहा है या वी आर सॉरी आ रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि इस तरह से खाली स्टेटस देखने को मिल जाए, वो लोग भी जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मेरा जो है कि ब्लैंक स्टेटस आ रहा है जो कि जारी हो गया है। डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से डेट कुछ लोगों की, कुछ लोगों का हो सकता है डेट भी ना दिखे, छाप तारीख जो यहाँ देख सकते हो किस डेट में आपने प्रिंट किया वो भी हो सकता है ना दिखे। तो आप लोग देख के बताइए कि किसी का क्या कंप्लीट स्टेटस अब तक जारी हुआ या नहीं हुआ या सिर्फ सादे स्टेटस ही आ रहे हैं अभी तक, तो ये चेक करके सभी लोग बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि देखना आ गया हो, कहाँ से देख सकते हैं, डेट भी मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। उसमें एक और इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको यहां क्लियर करना चाहूंगा, करेक्शन की डेट को लेकर काफी ज्यादा सवाल है, तो वो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो। करेक्शन की डेट भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि आप करेक्शन कब से कर सकते हो। देखो जितने भी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी छात्र उनके लिए जो डेट है करेक्शन की वो है 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, तो वो नोट डाउन कर ले 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है, आज वो 1 तारीख, 10 दिन और बचे हुए हैं, 11 मतलब 12 से पोर्टल खुलेगा एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए भी नहीं 5 दिनों के लिए, उसमें ही आपको सुधार करके फॉरवर्ड कराना होगा। तो ये हो गया करेक्शन की डेट, उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें क्लियर हो गई स्टेटस को लेकर करेक्शन को लेकर। तो वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर कर देना जितने भी लोग स्टेटस संबंधी या फिर करेक्शन संबंधी जानकारी चाहते होंगे। सोच ले गाइस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।